चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ही डिफेंडिंग चैंपियन है। ऐसे में पाकिस्तान कई महीनों से कोशिश में लगा है कि सारी टीमें अग्री कर जाएं पाकिस्तान आके खेलने के लिए। बाकी टीमों का तो नहीं पता, लेकिन हम यानी कि टीम इंडिया, हमारा मूड नहीं है पाकिस्तान जाने का, एंड वी हैव आवर ओन रीजंस। लास्ट टाइम 2008 में इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर गई थी पाकिस्तान में। उसके बाद 2008 के बाद से जो कुछ भी घटा है हमारे और पाकिस्तान के बीच, एज फार एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पॉलिटिकल इश्यूज आर कंसर्न्ड, तनावपूर्ण स्थिति रही है। और इसी वजह से BCCI बिल्कुल भी तैयार नहीं है टीम इंडिया को भेजने के लिए। लेकिन इन सब के बीच अब एक फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने रिक्वेस्ट किया है हम्बली टीम इंडिया से, BCCI से, इंडियन क्रिकेट टीम से, कि भाई प्लीज आप पाकिस्तान आए और यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करें। तो क्यों किया उन्होंने ये रिक्वेस्ट, कौन है ये क्रिकेटर, क्या है कहानी, और हरभजन सिंह ने इन सब के बीच में ऐसा क्या कह दिया है कि एक बार फिर ट्विटर पर डिबेट शुरू हो गई है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं। तो बस यही है वीडियो का टॉपिक, तो लेट्स स्टार्ट। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान, और आज करेंगे राउंड अप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान का। बोले तो पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। मलिक का मानना है कि राजनीति को खेलों से अलग रखना चाहिए, और उन्होंने इसी मुद्दे पर जोर देते हुए ये सजेस्ट किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल टाइज हैं उनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है, और क्रिकेट इवेंट्स में पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहिए। शोएब मलिक ने क्रिकेट पाकिस्तान से कहा कि दोनों देशों के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो एक अलग मुद्दा है और इसे अलग ही हल करना चाहिए, ना कि क्रिकेट के थ्रू। खेलों में राजनीति नहीं आनी चाहिए। लास्ट ईयर पाकिस्तान की टीम भारत गई थी और अब भारतीय टीम के लिए ये एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं खेला है, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि भारतीय टीम को जरूर आना चाहिए। ये स्टेटमेंट है शोएब मलिक का। सो चैंपियंस ट्रॉफी अभी 2025 में होना है, लेकिन इसके इन एंड अराउंड ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से चल रही है कि क्या भारतीय टीम को टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए या नहीं, जिसके पीछे के कारण पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच का तनाव भरा रिश्ता रहा है। BCCI चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अपने मैचों को श्रीलंका या दुबई में रीशेड्यूल करने की मांग कर सकता है, इनफैक्ट कर भी रहा है। भारत ने भले ही पाकिस्तान के लिए लंबे समय से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं आयोजित की है, ना ही जाकर खेला है, लेकिन ICC टूर्नामेंट और एशिया कप में दोनों ही देश लगातार आमने सामने आते रहे हैं। ऐसे में ICC के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बाद भी कैसे इस टूर्नामेंट का आयोजन सक्सेसफुली किया जाए। इन सब के बीच कि क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एंड शोएब मलिक के रिक्वेस्ट के आने के बाद हरभजन सिंह, हमारे टर्मिनेटर भजूपा, उनकी भी एक बाइट वायरल हो रही है। INS से बात करते हुए भजूपा ने अपने कंसर्न्स सामने रखे और बताया कि क्यों उन्हें भी ये लगता है कि टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। और तो शोएब मलिक ने बोला तो कि भाई हम अच्छे मेहमान नवाज हैं, बावजूद इसके कि हाँ वहां पे अच्छे लोग हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन जो हरकतें उनकी सरकार या उनकी आर्मी ओवर द इयर्स करते आ रही है उससे इंडियन फैंस आहत हैं, इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी भी आहत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान तो वही है ना, मतलब हम क्रिकेट फॉलो करते हैं लेकिन देश के प्रति हमारा प्यार वो और क्रिकेट एक ही है, मतलब इन दो चीजों को आप अलग नहीं कर सकते। तो हरभजन सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। भारतीय टीम को पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए? पाकिस्तान में सेफ्टी को लेकर कंसर्न है। हरभजन आगे कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहां लगभग हर दिन घटनाएं होती रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां जाना टीम के लिए सुरक्षित है। BCCI का रुख बिल्कुल सही है और हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मैं BCCI के इस फैसले का समर्थन करता हूं। सो सेफ्टी कंसर्न्स हैं
एंड जैसी खबरें आ रही हैं, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, पीसीबी इस कोशिश में लगा है कि सेफ एंड सिक्योर इवेंट हो। इनफैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी आश्वासन दिया है कि टूर्नामेंट में भारत के सभी मैच लाहौर में होंगे और भारतीय टीम मैच के दौरान एक ही होटल में रुकेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि टीम को एक ही शहर में रखने से मेहमान टीम के लिए अधिक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकेगा। पीसीबी ने हाल ही में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के पास एक 5-स्टार होटल के कंस्ट्रक्शन के लिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड भी एक्वायर कर लिया है और उसको अनाउंस भी कर दिया है। एज पर सोर्सेज पीसीबी होटल बनाने की योजना बना रही है और अगले साल की शुरुआत तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट भी है। इस नए होटल के बनने के बाद इंडियन टीम को स्पेशली दूर की जगहों पर ठहरने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं। एंड टीम के ट्रेवल्स के दौरान जो रूट टीम इंडिया लेगी उस रूट को कंप्लीटली कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, दोनों तरफ सिक्योरिटी होगी, रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे ताकि सेफ एंड सिक्योर ट्रैवल इंश्योर किया जा सके टीम का होटल से गद्दाफी स्टेडियम तक। तो टीम तो ट्रैवल करेगी वो तब जब टीम वहां पहुंचेगी। अभी के लिए पीसीबी जितनी भी बातें कर ले उनको समझना होगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। टाइम एंड अगेन जिस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, मैं यहां पे बात कर रहा हूं पाकिस्तान के लोगों की नहीं, गवर्नमेंट का जिस तरीके से रुख रहा है टुवर्ड्स इंडिया, जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं हमें आए दिन सुनने को देखने को रिपोर्ट्स में मिलती हैं, उसके बाद सीरियसली क्या पीसीबी ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ये सब चीजें भुलाकर सीधे सीधे खेलने चले जाएंगे। मुझे पता है कि क्रिकेट एक बहुत बड़ा यूनिफायर का काम करता है, दोनों देशों के लोगों को मिलाने का काम करता है, लेकिन वो मिलन तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही गले ना लगाएं, बॉर्डर पे भी तमीज से पेश आए। तो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी बॉर्डर पर तमीज से बिहेव करना शुरू कर देगी, अपनी गलतियों को मान लेगी और इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो उसके बाद बायलैटरल सीरीज भी हो जाएगी। अगर इंडिया इतना ही कड़ा रुख अपनाता ना तो आईसीसी इवेंट्स में भी इंडिया पाकिस्तान कभी नहीं होता। तो ये दरिया दिली है बीसीसीआई की, इंडियन गवर्नमेंट की, इसको पीसीबी नकार नहीं सकता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आईसीसी टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया आई थी, तो इसलिए अब पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया भी पाकिस्तान जाए। लेकिन माई डियर पीसीबी फ्रेंड्स, पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, यह आपको भी पता है। तो जब तक हालात नहीं सुधरते क्रिकेट कैसे पॉसिबल है? क्यों? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड बिहाइंड कैमरा वॉज आदर्श नायर फॉर अनकट।